और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर मध्य प्रदेश में जश्न। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उत्सव का माहौल। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के लगे नारे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर मध्य प्रदेश में जश्न। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उत्सव का माहौल। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के लगाए गए नारे। देखिए पूरे कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकर्ताओं की, हजारों कार्यकर्ताओं की जीत है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक को एक किया, प्रियंका जी ने खड़गे जी ने समय दिया, निश्चित तौर से नेताओं का बिल्कुल अहम भूमिका रही और पेनी नजर रही है। एक साल से जब जाके जीते, ऐसा नहीं कि अचानक जीत है। और मैं तो कहना चाहता हूँ भाजपा के धनबल के सामने की जीत है, जो इन्होंने सरकार गिराई थी कर्नाटक के अंदर, उस पर जीत है जनता की, जनादेश की। और यही चीज देश के में आपको एक शुरुआत है, चाहे हिमाचल है उसके बाद कर्नाटक है। और हम इन भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं इनके खिलाफ विकास की बात करना चाहते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ बजरंग दल था और एक तरफ बजरंग बली थे, बजरंग बली जीत गए। तो प्रवीण तोगड़िया ने साफ कह दिया, इसका मतलब कि बजरंग बली और राम मंदिर भी बीजेपी को नहीं बचा पाए। नहीं, आप इत्तेफाक रखते हैं उनके बयान से, फिर प्रवीण तोगड़िया के बयान से? देखिए विकास की भ्रष्टाचार की बात, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ये लोग। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक विकास की बात करना चाहते हैं, ये भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं, ये धर्म के नाम पर मुद्दे उठाना चाहते हैं। जो इनकी मंत्री वहाँ पे 6 मंत्री हार गए तो वो क्या घोटालों में थे, ये जनता ने वहाँ पे दिया जवाब। तो ये स्थिति आप समझ रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों से हटके जिस प्रकार से ये बड़े बड़े व्यापारी घरानों को लाभ पहुँचा के अपनी खुद की जेबें भर रहे हैं, तो ये मेरे को लगता है कि भाजपा का प्रपंच और जो एक दिख रहा है सामने मुखटा कर्नाटक से उतरता दिख रहा है। आईडी टर्न करना, सभा हुई थी वहाँ पे राहुल गांधी जी, वो लाखों लोग जहाँ पे 9 जगह नरेंद्र मोदी के ऊपर फूल बरसे थे, वो बीजेपी हार गई। उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ 9 जगह गए वहाँ पे हार गए। सर क्या मानते हैं सर, जिस तरह से बजरंग बली को खास मुद्दा बनाया था बीजेपी ने, क्या बजरंग बली न्याय के देवता है, उन्होंने न्याय किया? मतलब इसमें ये होगा सर, क्या मतलब न्याय करेंगे? पब्लिक है ये सब जानती है, छल कपट भाई साहब सामने, छल कपट बहरूपिया पर कथनी और कर्मी का अंतर, सत्ता और शासन का दुरुपयोग, ये पूरा इनका निर्लज्ज चेहरा पूरे देश की जनता ने देख लिया। इन्होंने देश को इतनी क्षति पहुंचाई है जिसको रिपेयर करने में बहुत टाइम लगेगा। बजरंग बली को तो बड़ा मुद्दा बनाया गया था। अब सोचिए ना कि धार्मिक आस्थाओं का दोहन करना, धर्म को राजनीति का औजार बना देना, राम नाम जपना पराया माना, इसके अलावा किया क्या है? सर 6 महीने बाद मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव, क्या इफेक्ट करेगी सर कर्नाटक की राजनीति के लिए परिणाम? मध्यप्रदेश में तो इतना ऐसा सफाया होगा तो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा।